हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा रियल मी सी 60 सॉरी आई क्यू न्यू 9 प्रो फोन 5G फ़ोन है, तो आई क्यू न्यू 9 प्रो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन में जो आपका कंट्रोल सेंटर है, देख सकते हैं जो आपका कंट्रोल सेंटर है, इसको आप कैसे बदल सकते हैं एंड आप कैसे चेंज कर सकते हैं कंट्रोल सेंटर को अपने आई क्यू फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि कंट्रोल सेंटर को आप कैसे बदल सकते हैं, आप कैसे चेंज कर पाएंगे अपने आई क्यू फ़ोन में कंट्रोल सेंटर को, तो बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाने ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के जो आइकन्स हैं आपके फ़ोन में कुछ इस तरीके से शो हो रहे हैं, जिसमें आप स्वाइप करना है, स्वाइप कर दिए ऑल आइकन सब होने जाएंगे। फिर इसमें से आपके पास ऑप्शन आता है इसमें प्ले स्टोर, या प्ले स्टोर पे जाते हैं तो आपको कोई भी एक कंट्रोल सेंटर डाउनलोड कर लेना है, एम आई कंट्रोल सेंटर आप डाउनलोड करते हैं तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ओपन करते ही कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा और ओपन करके अपने फ़ोन में आप देख सकते हैं कि आप इसका यूज़ कर सकते हैं और कंट्रोल सेंटर को बदल सकते हैं। जैसे आपको ऐड आ रही है तो आप इसको काट देंगे इसके अंदर, तो हमने ऐड को काट दिया है। तो आप यहाँ से कंट्रोल सेंटर को यहाँ से ऑन करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं तो कंट्रोल सेंटर है, आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं डाउनलोड ऐप्स पे जाकर, जो एम आई कंट्रोल सेंटर है कुछ इस तरीके से अलाउ कर सकते हैं। अलाउ करते ही आपका जो कंट्रोल सेंटर है बदल जाएगा, देख सकते हैं कि जो आपका कंट्रोल सेंटर है बदल चुका होगा और कुछ इस तरीके से आपका कंट्रोल सेंटर है इस तरीके का शो करेगा। तो इस तरीके से अपने अपने फ़ोन में कंट्रोल सेंटर को चेंज कर सकते और बदल सकते हैं अपने फ़ोन में, और बदल पाएंगे और चेंज भी कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू।